स्वागत है आप सभी का रंगोली एंड मेहंदी डिजाइन सेंटर क्रिएशन बाय स्नेहा में। आज हम कम समय में ज़्यादा अच्छी मेहंदी कैसे निकालते हैं वो सीखने वाले हैं। मेहंदी तो हर एक को पसंद है, तो मैं आपको कम समय में ज़्यादा अच्छी मेहंदी कैसे निकालते हैं वो सिखा रही हूँ। पहले हम चेक्स करेंगे, ऊपर अलग अलग डिज़ाइंस का जो रहता है स्टाइल वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, सीखना है पूरा अच्छे से, तो आप हमारे वीडियो को एंड तक देखिए। पहले हम ऐसे लाइंस बना लेंगे, यहाँ पे कोई कोई मेहंदी डाल के पूरा मतलब पूरा ब्लैक डार्क कर सकते हैं हम, बट अगर हम ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं और अच्छा लगेगा। ऊपर की उंगलियों के लिए ये हमने डिज़ाइन किया हुआ है, देखिए। अभी इसको हम ऐसे बॉक्स बना देंगे। इसमें जब रंग चढ़ जाएगा तो और अच्छा दिखेगा ये। देखिए हमें सिर्फ चेक्स भरने हैं। देखिए कितना सही लग रहा है ये। मेहंदी अगर आपको बनानी नहीं भी आती होगी तो आप मेरे वीडियो को देखकर मेहंदी बनाना सीख सकते हो, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसको हम देख के भी आप ये मेहंदी बना सकते हो आपके हाथों में। देखिए आपने हमारे चैनल पे देखा है कि चेक्स की डिज़ाइंस कैसे बनती है, अभी मैं आपको नीचे वाली डिज़ाइन बताती हूँ। तो जैसे चेक्स का पूरा ऊपर कर लिया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वैसे डिज़ाइन बनाना है, आप पूरा उसको डार्क भी कर सकते हैं। तो नीचे वाला डिज़ाइन बनाती हूँ मैं अभी, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मेहंदी के अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, वैसे तो मैं आपको हमारे एक एक वीडियो के ज़रिए वो आपको बताऊंगी। जैसे कोइरीज है, इसमें हम अलग अलग स्टाइल्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेहंदी मैंने ज़्यादा टाइम में नहीं बनाई है, बट इसको मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे अच्छी लगेगी। शेडिंग स्टाइल में बनाना है हमें इसको। देखिए इसको हमने कुछ इस स्टाइल में बनाया है। स्टार्टिंग में आपको सिंपल शेप्स के लिए समझाने के लिए मैं ऐसे डिज़ाइन बना रही हूँ कि आप कम समय में ज़्यादा अच्छी मेहंदी कैसे निकाल सकते हो। तो ये जस्ट एक स्टाइल है जिसको हम शेडिंग में लेके जा रहे हैं अभी।
वैसे तो हम मॉल्स में वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे भी मेहंदी के आजकल पैसे लेकर वो जल्दी जल्दी निकाल कर देते हैं, बट वो मेहंदी जो होती है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं मतलब जाती है, उसका कलर जो होता है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चढ़ता है। तो अगर हम घर पे ही अगर कोशिश करें तो हम अच्छे से मेहंदी निकाल सकते हैं। तो सबसे आसान और सबसे सही तरीका है मेहंदी निकालने का, तो वो है मेहंदी शेडिंग स्टाइल वाली मेहंदी में। ये मेहंदी कलर चढ़ने के बाद और अच्छी दिखेगी। आपका कोई भी फेस्टिवल हो, त्यौहार हो, आप इसको जल्द से जल्द, हमारी वीडियो को आप जल्द से जल्द देखकर वो आप निकाल सकते हो। कहीं पे भी आपको जाना हो, किसी का फंक्शन हो, किसी की शादी हो, कोई भी फेस्टिवल में आप निकाल सकते हो। और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। तो देखिए ये हमारी मेहंदी पूरी बन चुकी है। इसको थोड़ा सा साइड से हम डिज़ाइन करेंगे डॉटेड वाला। आपके ऊपर है कि आप कैसे डिज़ाइन बनाते हो, आपको कैसी स्टाइल पसंद है, बट मैं आपको पूरी स्टाइल दिखाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए ऐसे बन चुके हैं पूरे, कितने सही लग रही है दिखने में। थैंक यू।